आशीष भाई चढ़ गए पीओके के सामने। यहाँ हम ओवरलैंडिंग करने वाले हैं पहली बार। आशीष भाई खड़े हैं एकदम ऊपर। जैसे जैसे शाम हो रही है वहाँ पे लोग करके परमिशन मिल गई अंदर किरान में गाड़ी ले जाने की, और देखते हैं मज़ा आएगा वहाँ पे पीओके के सामने मस्त कैंपिंग करने में। वाओ अमेजिंग फीलिंग आ रही है। बस उन्होंने बोला कि मेरे को गाड़ी चलानी है, थार चलानी है, तो चलते हैं अभी लेके गाड़ी। यहाँ तक आ गया हूँ ना तो अब एक काम करते हैं, पानी के अंदर से भी निकाल ही लेते हैं। सही है। आज तुम पे बैठ ही जाओ, लटक जाओ यहीं से। चलो चलो तो भाई ये अपनी थार खड़ी है सामने पीओके, बस रिवर का जो है डिफरेंस है और कुछ नहीं है भाई। जो फीलिंग है ना वो ऑसम है। और हम करेंगे ओवरलैंडिंग पीओके के ठीक सामने उस साइड में फ्लैग पोस्ट पे, तो चलते हैं वहाँ पे फाइनली। मतलब कैसे भी हमने मैनेज कर लिया अंदर आना ना। बड़ा सही लग रहा था यार करने देंगे। मैं रनिंग बहुत सही करके आया, मेरे को लग रहा था कि और सामने भाई हम इधर अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं और सामने की ये नजारे देखो, गाड़ी हमारी कहाँ चल रही है। बट ये सबसे बेस्ट है ना, मतलब गुरेज तो हमारा था ही था कैंपिंग जो थी, बट यहाँ पे जो है ना उसका अलग ही फन है, अलग ही मतलब एक्साइटमेंट आ रहा है। ये कुत्ता हमें रास्ता दिखा रहा है, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि हमें कहाँ जाना है। तुम देखो कि बार बार पीछे पीछे देख रहे हो कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हेलो ह्यूमन, हेलो ह्यूमन, ये बस सही कर रहा है, देख रहा है। ये लगा देना चार्जिंग पे फोन मेरा, मेरा तो लगा पहले। तो बोले थे इससे नीचे, इससे नीचे हैं, इससे नीचे 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 नीचे। ये कैंप साइट है, गाड़ी यहीं जाता है, गाड़ी यहाँ लगा सकते हैं। ये अरे नहीं, ये आ गया, उल्टी को मत लगा यार, उधर कोई लगा था। और हम यहाँ पे ये खेतों के किनारे किनारे होके लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं, वहां से नजारे देखेंगे कैसे है। और ये हम पहुंच गए एकदम डेड एंड तक। आप अपनी कैंप्स यहाँ पे भी लगा सकते हो, और ये शायद किसी के कॉमर्शियल कैंप है, कैंप साइट है पूरी। हैं कौन सी गाड़ी है भाई, पाकिस्तानियों कौन सी गाड़ी बनाती है तुमने, ये कौन सी वैन है, ये हमारे यहाँ तो नहीं होती। कितनी बड़ी वैन, यूपी से बिलोंग करते हैं हम, यूपी से बिलोंग करते हैं। अभी कश्मीर में कहाँ कहाँ कितने दिन, आप 6 दिनों से कश्मीर में हैं? हाँ। तो प्लानिंग क्या थी आपकी, कहाँ कहाँ आप घूमे? प्लानिंग ये थी हमारी कि हमें इस बार ऐसा कश्मीर एक्सप्लोर करना था कि जहाँ लोग कम जाते हो एक्चुअली, ठीक है, टूरिस्ट जहाँ कम जाते हो। तो जैसे हम गुरेज गए, 2 दिन हमने वहाँ कैंपिंग करी, उससे आगे तुलैल गए, बडुगाम गए हम, हाँ, फिर उसके बाद में हम उससे पहले यूसमर्ग भी गए थे हम, ठीक है, वहाँ भी टूरिस्ट कम जाते हैं, लोकल लाइट सबके ज़्यादा जाते हैं। फिर उसके बाद में लोला वैली हम गए, देन उसके बाद में अब केरन आए हैं। लोला वैली में कहाँ कहाँ घूमे आप? उधर लोला में एक डैम है, रिजर्वियर बना हुआ है, वहाँ गए, कलारूस गए, और एक डोबन करके जगह पड़ती है वहाँ गए, जिसको मिनी पहलगाम बोलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस भी करता हूँ कि आप केरन में रात को रुकें। यहाँ एक पोस्ट है आगे कोबरा पोस्ट, वहाँ तक गए हैं हम? लास्ट तक गए थे अभी यहाँ तक। कोबरा पोस्ट, कोबरा पोस्ट उसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ आर्मी की एक पोस्ट थी, वहाँ कोबरा निकलता था सांप। अच्छा। तो आर्मी वालों ने उसका कोबरा पोस्ट ही नाम रख दिया। अच्छा। तो अब यहाँ के लोकल्स अपने खेत के एतबार से उसको पुकारते होंगे। अच्छा। लेकिन आम यहाँ के जनता जो है वो उसको कोबरा पोस्ट के नाम से, उसमें ये है कि वहाँ मैदान है और जो हमारे हमसाया मुल्क है तो इनकी लोकेशन वहाँ ठीक दिख रही है। अच्छा। हम चाहते हैं कि हम भी अपने मुल्क को डेवलप करें। राइट। तो यहाँ ये हमारा टूरिज्म जो है आए, तो यहाँ टूरिस्ट हट्स बनाए, वो यहाँ पे टूरिस्ट के रहने सहने का अच्छा इंतजाम करें। अच्छा। मैं सीनियर लेक्चरर काम कर रहा हूँ। ओह नाइस। तो
मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो अच्छा। मेरी है, मेरा बच्चा है। तो मैंने आपको सुबह देखा, खुशी हुई अच्छा। आपको गाड़ी से बच्चे ने आपको पहचान लिया। चलो थैंक यू। अभी भी कह रहा था कि भाई वो निकल गए अच्छा, तो मुझे उनके साथ सेल्फी लेनी है जरूरी। मैंने कहा कोई नहीं, आगे जाएंगे, आ जाओ वीडियो भी बना लेते हैं, ले लिया हमारे फैन से। हेलो, क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, काफी गाड़ियां खड़ी हैं इधर यार। अभी किरण रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अगर आप आते हो तो खाना आप यहाँ खा सकते हो। आपको नॉनवेज मिल जाएगा, चिकन मटन। और एक रेस्टोरेंट ये है बाट होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये तहसील है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा गाँव है यार, मतलब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी हम और ज़्यादा क्लोज आ गए इधर, क्योंकि उस साइड में जो स्ट्रीम थी ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, यहाँ पे थोड़ी सी कम है और बिल्कुल डेड एंड पे आ गए। उधर साइड में भी हम डेड एंड पे गए थे, बट यहाँ से जो उस साइड के घर दिख रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं। ये देखो उस साइड जो कश्मीर है वो पाकिस्तान में, वो पूरा घर उस साइड का है और उन्होंने बना रखा है अपना सेटअप। इधर ही हमारी साइड जो है वो यहाँ पे सारा क्रिकेट ग्राउंड है, भाई लोग खेल रहे हैं हमारे। और ये वैली क्या खूबसूरत है यार, मस्त। इधर साइड में सनसेट हो रहा है, इधर उसकी धूप पड़ रही है, दो साइड में डिफरेंट है, इधर डार्क और इधर धूप एकदम। आगे चलते हैं, थोड़ा क्लोज से देखते हैं। और ये सारे भाई लोग हमारे यहीं से हैं, हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एक साथ इधर आ जाओ। आशीष भाई चढ़ गए पीओके के सामने, और सामने ये पीओके, इधर अपनी थार खड़ी हुई है, इधर पीओके है। यहाँ हम ओवरलैंडिंग करने वाले हैं, पहली बार पीओके के सामने कोई ओवरलैंडिंग कर रहा है, तो वो हैं हम। और इन भाई का होम स्टे है, तो जब भी कभी आ रहे हो, मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, इन भाई को कांटेक्ट करना। नंबर चलता है ना यहाँ पे, कॉलिंग आती है? ठीक है। तो अपने रूम्स का ये क्या चार्ज रहता है होम स्टे का? 1600। खाना देते हो उसमें? खाना नाश्ता देते हो, है ना? और वॉशरूम नीट एंड क्लीन है? और जो टॉयलेट है आपकी वेस्टर्न है इंडियन साइड? इंडियन स्टाइल में है, ठीक है। तो भाई का जब भी कभी आ रहे हो केरन साइड में या पीओके के साइड में, ये केरन को एक्सप्लोर करने, तो भाई के स्टे में जरूर रुकना। आशीष भाई खड़े हैं एकदम ऊपर, और हमने अपना सेटअप ओपन कर लिया, बस अब खाने वाने का सेटअप करेंगे। और इस नज़ारे के साथ में भाई रात को यहाँ सोना है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोग देखते रहो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। जैसे जैसे शाम हो रही है वहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, और रात को शायद ये लोग उधर से टॉर्च वॉर्च भी ऐसे करके मोबाइल की दिखाते हैं। और बस अपनी ब्यूटीफुल ब्लैक हॉर्स ये खड़ी हुई है। पहले तो हमें आने नहीं दे रहे थे आर्मी गेट से, फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, आपने पीछे ब्लॉग में देखा था, तो वो भाई ने आने दिया कि जाओ कैम्प करो। सामने ये फ्लैग पॉइंट है, तो हमने इसके सामने लगाई है गाड़ी, यहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सेफ है, वैसे यहाँ दिक्कत कुछ नहीं। टाइम 8 बज गए हैं, और यहाँ पे देखो उजाला देखो कितना है अपने यहाँ, तो 8 बजे आई थिंक अंधेरा हो जाता है, पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है, इतना रोशनी होती ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी तो भाई 1-2 घंटे बाद दिन, मुझे लगता है ऐसा कुछ। कितने बजे तक रोशनी रहती है? 8-9 बजे भाई, 9 बजे तक थोड़ा थोड़ा रहता है उजाला हल्का हल्का, है ना भाई साहब। अरे यहाँ पर देखना ना क्या नज़ारे हैं यहाँ के, पीछे कोबरा पॉइंट तक भी जाना। हाँ जाएं, ले आओ फिर अपना कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। और ये भाई हमारा फोटोग्राफर है यार, कभी करण में आ रहे हो तो भाई से फोटो जरूर खिंचवाना यार। इधर इनकी लाइट जल गई है पीओके वालों की, इन्होंने काफ़ी सही होटल बना रखे हैं। हमारे इधर अभी टूरिज्म बढ़ रहा है तो थोड़ा सा है। फिलहाल अंधेरा हो रहा है, 8:15 बज गए हैं, फिर भी काफ़ी उजाला है उस हिसाब से, तो हम भी अपना कुछ खाना पीना करते हैं। आशीष भाई गए हैं पानी लेने शायद उधर साइड में, और ये अपना ओवरलैंडिंग सेटअप कर रखा है, लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल है जो वो अनदर लेवल है भाई, क्योंकि हम हैं पीओके के पास में, और ये पहली थार है और पहला भी बंदा जो ओवरलैंडिंग कर रहा है यहाँ पे पीओके के पास में। तो जस्ट सपोर्ट मी यार, आई नीड यू गाइस, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं आपको ऐसे और भी चीज़ें दिखाऊंगा। तो इधर हमने अपनी चेयर वगैरह सेटअप कर ली, और यहाँ टेबल लगा ली,
बाकी गाड़ी खोल के वहाँ से सामान वामान निकालेंगे। गाड़ी एकदम ठसा बस, इतनी ऑफ रोडिंग हो गई थी कि सामान हमारा इधर से उधर सब तहस नहस हो गया है। ये सब हमने रास्ते से लिया था, पपाया वगैरह। कल जब हम आए थे गुरेज से तो गुरेज में भी बारिश में हमने इसे बंद किया था, तो थोड़ी बहुत उसमें सीलन रह गई है। बाकी गाड़ी भी पूरी गंदी हो चुकी है, खतरनाक वाली। मसाला भी बाद में डालेंगे। फाइनली पुलाव हमारा तैयार हो गया। आशीष भाई को थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो रहा है आज, लाल मिर्च से हुआ। और पीओके वाले सामने जितनी भी लाइट्स चल रही हैं, ये पानी बहता हुआ दिख रहा है, वो उस साइड पीओके है पूरा। और उधर जो ऊपर टॉप पे जो लाइट दिख रही है वो नीलम जो पीओके में आता है। भाई साहब क्या पुलाव बनाया है, बच्चे हैं प्लेट में। दोस्तों अब भी खा लो पुलाव, हमारे हाथ का बना हुआ। टाइम फॉर पैकअप, खा पी के ख़त्म। अब यार ये बर्तन धुलने बड़ा, फिर भी सारा पैकअप कर दिया हमने खाने के बाद में, सब कुछ ऐसे ही अंदर लगा दिया। और अब लगाते हैं इसका टॉर्च। हमारी यहाँ पे रहती है एक्चुअली लाइट का सिस्टम, ऊपर रख देते हैं हम इसको जला के। ये भी ख़त्म हो गई, काफ़ी साथ निभाया इसने, कल इसको चार्ज करेंगे। कर दे मन, इसको करते हैं मन यहाँ से, और इसको लगाते हैं ये। ये सब चीज़ तो निकाल ली हमने, सब चीज़ पैक कर दी, बट हम निकालना भूल गए क्या, रात को लगेगी ठंड। और ये चीज़ निकालनी है हमें, चल देखना कीड़े हैं वो एकदम से बंद कर लेना। ये बहुत सही है वरना। हाँ इसी में डाल दो आराम से, बस पैर भी गंदे ना हो। चलो पैर भी बहुत गंदे होते हैं। चलो भैया आशियाने में चलो अपने, हमारा आशियाना। तो अभी के लिए गुड नाइट, फिर मिलेंगे सुबह।